नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल AYT इंडिया अकेडमी पर। दोस्तों, अभी हमारे 50,000 सब्सक्राइबर पूरे हुए हैं और इस सब में आपका बहुत बड़ा योगदान है। आप लोगों की तरफ से जो वीडियोस को प्यार मिला है, चैनल को प्यार मिला है, उसकी वजह से ही ये मुमकिन हो पाया। जब मैंने एक्टिवली 2-2.5 साल पहले चैनल पे वीडियोस डालनी शुरू करी थी तो उस टाइम मेरे लगभग 250 सब्सक्राइबर थे और आज अगर मैं बात करूं 2.5 साल में तो ये 50,000 क्रॉस कर चुके हैं। ये सब आप लोगों की वजह से हो पाया है। तो ऐसे ही आगे भी अपना प्यार बनाए रखिए ताकि बहुत ही जल्द ये 1 लाख सब्सक्राइबर पर पहुंचे। दोस्तों, आज की जो वीडियो है, वीडियो का टॉपिक है कैलिब्रेशन। कैलिब्रेशन क्या है, कैलिब्रेशन क्यों करना जरूरी है, कैलिब्रेशन प्लान क्या होता है, कैलिब्रेशन रिपोर्ट क्या होती है और कौन कैलिब्रेशन करने के लिए ऑथराइज है, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो ज्यादा वक्त न गवाते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा है, आपने अक्सर इंस्ट्रूमेंट के ऊपर इस तरीके के स्टिकर देखे होंगे। जो लोग नए आते हैं इंडस्ट्री के अंदर, जैसे फ्रेशर होते हैं, GET होते हैं, DET होते हैं, उनके लिए बिल्कुल एक नई चीज होती है कि भाई ये किस चीज का स्टिकर लगा हुआ है माइक्रोमीटर के ऊपर या वर्नियर के ऊपर या डायल गेज के ऊपर। और इस स्टिकर के ऊपर लिखा होता है भाई कैलिब्रेशन इतनी तारीख को हुआ था और नेक्स्ट कैलिब्रेशन इतनी तारीख को ड्यू है। साथ में जिस भी कैलिब्रेशन लैब से हमने ये कराया होता है उसका नाम लिखा होता है, इंस्ट्रूमेंट का नंबर लिखा होता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये होता है हमारा कैलिब्रेशन स्टिकर, जो हमें ये सूचना देता है कि हमारा इंस्ट्रूमेंट कब कैलिब्रेट हुआ था, कब तक ये कैलिब्रेशन वैलिड है और किस जगह से ये कैलिब्रेशन कराया गया है। अब ये कैलिब्रेशन होता क्या है? कैलिब्रेशन एक प्रोसेस है जो कि एक इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी को नापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो हमारा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसको एक हम स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट के मुकाबले या उसके कंपैरिजन में चेक करते हैं कि हमारा इंस्ट्रूमेंट कितना एक्यूरेट रीडिंग दे रहा है, उसमें कितना एरर है, क्या ये मेजरमेंट के लिए ओके है। ऐसा तो नहीं कि ये रिजेक्ट हो गया, अब इससे हम जो इंस्ट्रूमेंट से मेजरमेंट्स करेंगे वो सही रीडिंग आएंगी या नहीं आएंगी। तो यही सारी चीजें कैलिब्रेशन में चेक की जाती है। और इन शॉर्ट मैं बात करूं तो कैलिब्रेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंदर जो हमारा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसको एक स्टैंडर्ड इक्विपमेंट या मास्टर इक्विपमेंट के साथ कंपेयर किया जाता है कि कितना एक्यूरेटली वह रीडिंग दे रहा है। जैसे मैं बात करूं कि दो ग्लास हैं, दोनों ग्लास 200 ml के हैं, एक एक्स मैन्युफैक्चरर का है, एक वाई मैन्युफैक्चरर का है। हो सकता है उनके डाइयों में कुछ फर्क हो, तो हम क्या करेंगे, एक स्टैंडर्ड हमने लिया 200 ml का एक फ्लास्क ले लिया, या हमारा जो स्टैंडर्ड आइटम है या जो हमारा स्टैंडर्ड मेजरिंग ग्लास है वो हमने लैब से लिया 200 ml। अब पहले एक्स वाला चेक किया और वाई वाला चेक किया। एक्स वाले में आ रहा था 190 ml और वाई वाले में आ रहा था 205 ml। तो हमने क्या किया, उसको कैलिब्रेट करके देखा कि क्या वह 200 ml ही दिखा रहा है ये एक्स और वाई ग्लास, या कम ज्यादा तो नहीं है। तो दोनों ही ग्लास क्या हुए, दोनों ही ग्लास कैलिब्रेशन में रिजेक्ट हो गए। अब उन ग्लासेस से हम 200 ml नहीं नाप सकते। तो यही सारी चीजें हमें कैलिब्रेशन से पता चलती हैं। अब दोस्तों, कैलिब्रेशन क्यों जरूरी है या क्यों करना चाहिए कैलिब्रेशन और कब कब करना चाहिए? बेसिकली जब भी हम कोई इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, चाहे वो माइक्रोमीटर हो, वर्नियर हो, डायल गेज हो, हाइट गेज हो, सरफेस प्लेट हो, तो क्या होता है, समय के साथ साथ और यूज के साथ साथ उसमें वियर टियर आ जाता है कि वो चीजें उसकी पार्ट जो है घिसने लगते हैं, कुछ टूट फूट जाते हैं। जैसे आपको यहाँ स्क्रीन के ऊपर भी दिखाई दे रहा है, ये हमारा इंडिकेटर है, इसका ये साइड से शीशा टूट गया। अब ये साइड से शीशा टूट गया तो इसके अंदर क्या है, डस्ट वगैरह चली गई, तो क्या ये रीडिंग सही दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा भाई? ऐसा तो नहीं है डस्ट जाने से सुई उसकी सही से ना चल रही हो, डस्ट जहां से सुई चलती है वहीं पे जाके चली गई हो, या ये जैसे माइक्रोमीटर है बड़ी ही खराब हालत में है, धूल मिट्टी इस पर लगी हुई है, तो क्या ये सही रीडिंग दिखा रहा है? ऐसा तो नहीं है धूल मिट्टी के कारण क्या है, ज्यादा इसके अंदर वियर टियर तो नहीं हो गया? तो यही सारी चीजें हमें किससे पता चलती हैं,
कैलिब्रेशन से कि जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है वियर टीयर की वजह से खराब तो नहीं हो गया, रीडिंग तो गलत नहीं दिखाने लग गया, यह हमें कैलिब्रेशन से पता चलता है। अब कैलिब्रेशन हमें करना कब कब चाहिए किसी भी इंस्ट्रूमेंट का, या कब कब कराना चाहिए? दोस्तों कैलिब्रेशन जो है वो डिपेंड करता है उसके यूजेस पे, इंस्ट्रूमेंट के। कोई मेरा इंस्ट्रूमेंट है जो हर 10 मिनट में एक बार यूज हो रहा है या दिन में 10 से 12 बार यूज हो रहा है, ये हमने प्रोडक्शन लाइन पे दिया हुआ है कोई माइक्रोमीटर या वर्नियर, तो जो हमारा क्वालिटी इंस्पेक्टर है बार बार जाता है उससे रीडिंग लेता है, और एक हमने एक प्लग गेज दिया हुआ है या थ्रेड प्लग गेज दिया हुआ है ऑपरेटर को, वो 100% उससे इंस्पेक्शन कर रहा है सारे पार्ट्स, ठीक है। और एक हमारे पास है प्रोफाइल प्रोजेक्टर, हमारे पास इतने क्रिटिकल पार्ट्स नहीं है लेकिन हमारे पास प्रोफाइल प्रोजेक्टर है जो कि हम हफ्ते में एक बार यूज कर लेते हैं, जब कोई नई सेटिंग शूटिंग लगती है तो हमने हफ्ते में एक बार चेक कर लिया उस पर। तो ये तीन एग्जाम्पल हो गए, एक तो मेरा गेज है जो मैं जिससे हर पार्ट चेक कर रहा हूँ, एक मेरा माइक्रोमीटर है या वर्नियर है जिसको मैं दिन में कम से कम 10 से 15 बार यूज कर रहा हूँ, और एक प्रोफाइल प्रोजेक्टर है जो कि मैं हफ्ते में या 10 दिन में एक बार यूज कर रहा हूँ। तो तीनों की जो कैलिब्रेशन फ्रिक्वेंसी है वो सेम नहीं हो सकती। अगर हम तीनों की कैलिब्रेशन फ्रिक्वेंसी सेम कर दें कि 3 महीने में सबको कैलिब्रेट कराना है, तो उससे क्या होगा कि कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा कॉस्ट आती है। प्लस क्या है कि जब जो इंस्ट्रूमेंट यूज ही नहीं हो रहा वो घिसेगा क्या, उसमें वियर टीयर क्या होगा, एनवायरनमेंट के कुछ चीज़ें हो सकती हैं कि एनवायरनमेंट का थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आ सकता है, लेकिन वियर टीयर की वजह से उसमें कोई नुकसान नहीं हो रहा, तो उसको ज़बरदस्ती क्यों कैलिब्रेशन कराना। तो हमने कैलिब्रेशन जो कराना है वो जो उसका फ्रिक्वेंसी है यूज़ का उसके हिसाब से उसकी फ्रिक्वेंसी डिफाइन करनी है, वो 3 महीने भी हो सकती है, 6 महीने भी हो सकती है, 1 साल भी हो सकती है, 2 साल भी हो सकती है। प्लस में जो मैन्युफैक्चरर ने सजेस्ट किया है कि आपको 1 साल में एक बार कराना है या 3 साल में एक बार कराना है, उसको भी हमने कंसिडर करना है। तो 2 मेथड हैं कैलिब्रेशन फ्रीक्वेंसी डिफाइन करने के, एक तो फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज कितनी जल्दी जल्दी हमारा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, दूसरा है जो मैन्युफैक्चरर ने हमें सजेस्ट किया है। अब ये कैलिब्रेशन करेगा कौन, ऐसा तो नहीं है कोई भी लल्लू पंजू किसी नुक्कड़ की दुकान पे, नुक्कड़ की लैब पे हम कैलिब्रेशन करा लेंगे। तो इसके लिए क्या किया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक अथॉरिटी बनाई हुई है NABL, नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड लेबोरेटरीज, NABL के नाम से एक संस्था बनाई हुई है। जो कोई नई लैब खुलती है उसको किसके हिसाब से चेक करती है, IEC 17025-2017 स्टैंडर्ड के हिसाब से उनको चेक किया जाता है कि ये कंपिटेंट हैं, योग्य हैं या नहीं कैलिब्रेशन करने के लिए। साथ ही उनको इस तरीके का एक सर्टिफिकेट रिलीज किया जाता है उस लैब को, जिसके अंदर उसका नाम लिखा होगा लैब का, यहाँ लिखा होगा ISO IEC 17025-2017, साथ ही उसका स्कोप लिखा होगा जर्नल रिक्वायरमेंट फॉर द कॉम्पिटेंस ऑफ टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज, साथ ही उसका एड्रेस, क्योंकि हो सकता है एक लैब की 4 ब्रांचेज हो तो हर ब्रांच का अलग अलग सर्टिफिकेट रिलीज होगा इन द फील्ड ऑफ कैलिब्रेशन। साथ ही यहाँ पे लिखा होगा कब ये इश्यू हुआ, कब तक वैलिड है, प्लस में सर्टिफिकेट नंबर। तो इस तरीके का सर्टिफिकेट गवर्नमेंट की अथॉरिटी NABL रिलीज करती है, उसके बाद ही वो लोग ऑथराइज होते हैं कैलिब्रेशन करने के लिए। ऐसा नहीं है कोई भी उठेगा और कैलिब्रेशन करना शुरू कर देगा। अब जब भी आप कैलिब्रेशन कराते हैं किसी भी लैब के थ्रू, तो उनसे बोलिए कि भाई अपना जो है ना कैलिब्रेशन का स्कोप या सर्टिफिकेट भेज दो, उसके पहले आप उसको ऑर्डर मत दो। आजकल हो क्या रहा है कि लैब बहुत सारे खुल गए, वो क्या करते हैं, वो तो खुद तो क्या कहते हैं ऑथराइज नहीं होते, लेकिन क्या करेंगे, वो बिचौलिया का काम कर रहे हैं, आपसे इंस्ट्रूमेंट लेके जाएंगे, दूसरी लैब पे जाएंगे जो ऑलरेडी ऑथराइज है, जिसके पास सर्टिफिकेट है, वहां से कराएंगे और आपको ला करके वापस दे देंगे। तो भाई हम बिचौलिया क्यों रखे बीच, हम तो डायरेक्ट करा लेंगे ना। तो इसलिए आप जब भी कोई नई एजेंसी चुने या आपकी एग्जिस्टिंग एजेंसी भी है, तो आप उससे स्कोप मांगिए कि आपकी जो है लैब NABL ऑथराइज है या नहीं। ऑडिट में भी ये पूछा जाता है, ऑडिट में भी ये सर्टिफिकेट मांगा जाता है जब क्वालिटी का ऑडिट होता है, कि ठीक है आप दिखाइए किससे कैलिब्रेशन कराते हैं,
या ये इंस्ट्रूमेंट आपने किससे कैलिब्रेट कराया उसका स्कोप दिखा दीजिए, एनएबीएल का वो ऑथराइज है या नहीं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन ये देना चाहता हूँ कि हमारा जो ऐप है AYT इंडिया अकेडमी का, वो एंड्रॉयड पर अवेलेबल है, जिसका लिंक मैंने नीचे डाला हुआ है। अगर वो आप ऐप डाउनलोड करते हो तो उसमें आपको क्या होगा, 3 कोर्सेज दिखाई देंगे। पहला जो कोर्स है हमारा वो है इंटरव्यू और रिज्यूमे से रिलेटेड। इसके अंदर हम आपको बताएंगे कि रिज्यूमे कैसे बनाए, एक अच्छा रिज्यूमे कैसा होना चाहिए उसका, साथ ही फॉर्मेट देंगे आपको, साथ ही इंटरव्यूज के कॉमन क्वेश्चंस, इंटरव्यूज की तैयारी इसमें बताई जाएगी आपको। इसके बाद हमारा जो दूसरा कोर्स है वो है स्टोर कीपर का। जो लोग स्टोर कीपर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो भी इसको परचेज कर सकते हैं, साथ ही जो लोग स्टोर डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहे हैं तो वो भी इसको परचेज कर सकते हैं। इसके अंदर सारे स्टोर डिपार्टमेंट के डिटेल्स सही तरीके से बताए गए हैं, साथ ही इसमें आपको नोट्स मिलेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में वीडियोस मिलेंगी। इसके बाद जो हमारा तीसरा कोर्स है वो है हमारा मेंटेनेंस सिस्टम फॉर प्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस सुपरवाइजर। जो मेंटेनेंस या प्रोडक्शन सुपरवाइजर होता है उसको ऐसे 12 फॉर्मेट्स इसमें सिखाए गए हैं जो कि मेंटेनेंस से रिलेटेड हैं, जो कि उनको अच्छे से आने चाहिए। साथ ही वो फॉर्मेट आपको रेडी टू यूज मिलेंगे, रिकॉर्डेड वीडियोज हैं, आप कभी भी वो लेक्चर देख सकते हो। तो अगर आप लोगों को लगता है कि ये कोर्सेज आपके काम के हैं तो आप AYT इंडिया अकेडमी ऐप पर जाकर के ये कोर्स बाय कर सकते हैं, वहां से खरीद सकते हैं और इन कोर्सेज को देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं अब आगे कि प्रोसेस क्या है कैलिब्रेशन का, कैलिब्रेशन कैसे होता है या कैसे कराना है। दोस्तों सबसे पहले क्या है, सबसे पहले बनाया जाता है हमारा कैलिब्रेशन प्लान। कैलिब्रेशन प्लान हम बनाएंगे कि कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट कब कब कैलिब्रेट होना है, किस किस डेट में, किस किस मंथ में कैलिब्रेट होना है। तो सारी एक लिस्ट बना लेंगे, पूरा एक प्लान बना लेंगे। प्लान का फॉर्मेट मैं आपको आगे भी दिखाऊंगा कि कैलिब्रेशन प्लान का फॉर्मेट कैसा होता है। उसके बाद उस कैलिब्रेशन प्लान के हिसाब से जो इंस्ट्रूमेंट हमारे पेंडिंग हो रहे हैं एक स्पेसिफिक मंथ के अंदर, उनको हम क्या करेंगे, सॉर्ट कर लेंगे, उनको अलग निकाल लेंगे, उनकी लिस्ट निकाल लेंगे, उन इंस्ट्रूमेंट को अलग कर लेंगे। इंस्ट्रूमेंट अगर ज्यादा हैं तो उनको हम क्या कर सकते हैं, बैचेस में भी कर सकते हैं। जैसे अगर 30 इंस्ट्रूमेंट है, 10 10 10 करके हम भेज दें, क्योंकि एक साथ सारे भेज देंगे तो काम रुक जाएगा लाइन के ऊपर। उसके बाद क्या करते हैं, उन इंस्ट्रूमेंट को एक ऑथराइज एनएबीएल लैब को भेजा जाता है। एनएबीएल लैब जो है उनका कैलिब्रेशन करती है, मास्टर के हिसाब से कैलिब्रेशन करके उसकी एक रिपोर्ट बनाती है कि वो कैलिब्रेट हुए, उसमें ओके मिले, नोट ओके मिले, रिजेक्ट मिले, क्या हुआ, आगे से आप यूज कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। इसके बाद क्या है, जब कैलिब्रेशन हो जाता है तो इंस्ट्रूमेंट को वापस लौटा दिया जाता है हमें, मतलब लैब जो है वापस कर देगी इंस्ट्रूमेंट रिपोर्ट के साथ। रिपोर्ट इज मस्ट, रिपोर्ट के साथ आएगा, फिर उसको हम दोबारा से जो एनुअल प्रिवेंटिव मेंटेनेंस प्लान है उसके अंदर उसकी नेक्स्ट ड्यू डेट को अपडेट कर देंगे। तो इस तरीके से ये साइकिल चलती रहती है कैलिब्रेशन की, इसी तरीके से कैलिब्रेशन होता है। अब देखेंगे कैलिब्रेशन प्लान और कैलिब्रेशन रिपोर्ट। दोस्तों कैलिब्रेशन प्लान जो है ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, डिफाइंड फॉर्मेट है, जो हमें क्या क्या जानकारी देता है, जो हमें जानकारी देता है इंस्ट्रूमेंट के नाम, नंबर की, उसके लोकेशन की, कि किस डिपार्टमेंट में वह यूज हो रहा है इंस्ट्रूमेंट, कैलिब्रेशन की फ्रिक्वेंसी क्या है उस इंस्ट्रूमेंट की, कौन सा मंथ हमने प्लान किया हुआ है कैलिब्रेशन के, उसकी ड्यू डेट क्या है और लास्ट कैलिब्रेशन डेट क्या थी। तो ये सारी चीजें हमें किसमें पता चलती हैं, कैलिब्रेशन प्लान में। ये क्यों जरूरी है, क्योंकि हमारे पास क्या है, एक मास्टर होना चाहिए कि हमारे पास कितने इंस्ट्रूमेंट हैं और कब कब वह ड्यू है, तभी आप उनको कैलिब्रेशन के लिए भेज पाओगे। फॉर्मेट देख लेते हैं कैलिब्रेशन प्लान का। आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर कैलिब्रेशन प्लान का फॉर्मेट आ चुका है। तो सबसे ऊपर हेडिंग आ गई, लोगो आ गया कंपनी का, इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेशन प्लान, यहाँ लोगो और डॉक्यूमेंट का नंबर आ गया। उसके बाद में ईयर आ गया, हम किस साल के लिए कैलिब्रेशन प्लान बना रहे हैं। तो जैसे मैंने बताया आपको यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट का नाम और रेंज के साथ, कि जैसे ये डायल हाइट गेज है 0.01 से लेकर के 300 mm तक का, उसका कोड DHG डिजिटल हाइट गेज 01, उसकी कैलिब्रेशन फ्रिक्वेंसी और वो किस मंथ के अंदर प्लान है। जैसे ये जुलाई में प्लान है तो जुलाई के अंदर हम इसको सर्कल हमने कर दिया, यहाँ पे इसके लीजेंड दिए हुए हैं। सर्कल का मतलब है प्लान और फील्ड सर्कल का मतलब है एक्चुअल। उसके बाद उसकी कैलिब्रेशन की डेट आ गई और ड्यू डेट आ गई। तो
इसी तरीके से क्या है, इसके अंदर आप सारे इंस्ट्रूमेंट डाल दोगे, जैसे यहाँ मैनुअल माइक्रोमीटर है 75 से 100 वाला, उसके नंबर जो है MM01 है, 1 ईयर का उसका फ्रिक्वेंसी है, अगस्त में कैलिब्रेट कराना है, 27 अगस्त उसकी कैलिब्रेशन डेट थी और 26 अगस्त उसकी नेक्स्ट कैलिब्रेशन की डेट है या ड्यू डेट है। वैसे डिजिटल माइक्रोमीटर है हमारा अप्रैल का। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, कैलिब्रेशन प्लान बना लोगे, सारे इंस्ट्रूमेंट की डिटेल उसके अंदर डाल लोगे, एक मास्टर तैयार कर लोगे, कितने इंस्ट्रूमेंट हैं, उसका नंबर क्या है, कब कब वह कैलिब्रेट होना है, ये सारी डिटेल्स आप कैलिब्रेशन प्लान के अंदर डाल लोगे। अब समझते हैं कैलिब्रेशन रिपोर्ट या टेस्ट सर्टिफिकेट। दोस्तों जब आप कैलिब्रेट कराते हो तो उसके साथ एक सर्टिफिकेट मिलता है, जैसे आप कोई भी चीज़ें अपने टेस्ट कराए तो सर्टिफिकेट तो मिलेगा ना, ऑडिटर भी सर्टिफिकेट मांगता है जब आप बोलते हो कि मैंने ये इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेट कराया था, ठीक है भाई इसका सर्टिफिकेट दिखा दो, कब कराया था, किससे कराया था। तो उसके अंदर क्या आ गया, सर्टिफिकेट का नंबर होगा, इंस्ट्रूमेंट की आईडी होगी, जब कैलिब्रेशन करी तो उसकी रीडिंग होगी, एरर की डिटेल होंगी, कितना एरर आ रहा था जब हमने रीडिंग ली, कैलिब्रेशन मास्टर की डिटेल होगी। कैलिब्रेशन मास्टर क्या होता है, वह इंस्ट्रूमेंट जिसके एवज में या जिसके कंपैरिजन में उसको इंस्ट्रूमेंट को चेक किया हुआ, वो हमारा हो गया मास्टर इंस्ट्रूमेंट। कैलिब्रेशन डन की डेट और ड्यू की डेट, अब इसको एक एक हम सैंपल रिपोर्ट से समझेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। स्क्रीन पे आपके आ चुकी है कैलिब्रेशन की सैंपल रिपोर्ट, सबसे ऊपर आ गया हमारा क्या, कैलिब्रेशन लैब का नाम, उसका सर्टिफिकेट नंबर, NABL का लोगो, भाई ऑथराइज होनी चाहिए ये हमारी लैब, ठीक है। यहाँ आपका कोई अपना रिपोर्ट नंबर होगा वो दे दिया उन्होंने, इसके बाद में डेट ऑफ रिसीप्ट, कितनी तारीख को रिसीव हुआ था, ठीक है। यहाँ आ गई डेट ऑफ कैलिब्रेशन, कब वह कैलिब्रेट किया गया, 31/7/2021 को कैलिब्रेट किया गया। अब यहाँ आ गई इंस्ट्रूमेंट की डिटेल कि डिजिटल हाइट गेज है मिटुटोयो का 0 से 300 mm, लिस्ट काउंट गया है 0.01 mm, लोकेशन CNC शॉप, ID DHD02। जब हमने यहाँ रीडिंग ली तो ये सारी हमारी यहाँ पे रीडिंग की डिटेल आ गई, एरर की डिटेल आ गई, ठीक है। विजुअल इंस्पेक्शन में ओके मिला, WI का रेफरेंस नंबर दे दिया और फाइनल स्टेटस क्या है, ओके है, ठीक है। और जो मास्टर के अगेंस्ट में चेक किया गया वो यहाँ लिखा हुआ है, इक्विपमेंट यूज फॉर कैलिब्रेशन, द अबव इंस्ट्रूमेंट इज कैलिब्रेटेड विद द अबव इंस्ट्रूमेंट विद स्लिप गेज बॉक्स, माइक्रोनिक्स मेक सीरियल नंबर दिस, कैलिब्रेटेड बाय टेंसर इंस्ट्रूमेंट, वाइड सर्टिफिकेट नंबर। जैसे मैंने आपको बताया कि जो मास्टर है वो भी कैलिब्रेट होना चाहिए, तो उसकी डिटेल आपको कैलिब्रेशन रिपोर्ट पे मेंशन होनी चाहिए, साथ ही आप क्या करोगे, उसका भी कैलिब्रेशन का सर्टिफिकेट मांगोगे लैब से, मास्टर का भी, कि आपने जो जिस मास्टर से मेरा इंस्ट्रूमेंट चेक किया उसका भी मेरे को कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट आप भेजो। तो वो क्या करते हैं, उसकी फोटोकॉपी साथ में लगा देते हैं, क्योंकि ऑडिटर जो है मास्टर का भी सर्टिफिकेट मांगता है कि भाई अपने मास्टर जो जिससे चेक किया होगा ना उसका भी सर्टिफिकेट हमें दिखा दो कि वो कैलिब्रेटेड था या नहीं था। यहाँ लास्ट में आ गई ड्यू डेट। तो इस तरीके से कैलिब्रेशन का प्रोसेस चलता है। तो एक बार रिवाइज करें तो हमने क्या क्या सीखा इसमें, हमने सीखा कि कैलिब्रेशन क्या होता है, क्यों करना जरूरी है कैलिब्रेशन, कब करते हैं कैलिब्रेशन, कौन ऑथराइज है कैलिब्रेशन को करने के लिए, कैलिब्रेशन प्लान क्या है, कैलिब्रेशन रिपोर्ट क्या है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों के साथ, साथ ही अगर चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इस तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोज आपको रेगुलर मिलती रहे। धन्यवाद।